अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जेडी मेटला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब की हेल्थ को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। मैं यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट पे हूँ अमजदुल्ला खान खालिद की आप लोगों को हेल्थ अपडेट देने के लिए। अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है हड्डी का ऑपरेशन करेंगे। हाथ में 3 फ्रैक्चर है, पहले 2 बोले, अब 3 बोल रहे हैं लोग। एक छोटा सा है हाथ में, पूरा राइट हैंड जो है 3 जगह से टूट गया। अल्लाह का शुक्र है कि हेड इंजरी जो थी उसका जो MRI आया तो हेड इंजरी का क्लियर आया आप लोगों की दुआओं से, और इंशाल्लाह ऑपरेशन होगा। सुबह से हम फजर के बाद से यहाँ पे हैं, अभी थिएटर में ले गए, हम नीचे आए हैं यहाँ पे। आप तमाम लोग जो फ़ोन कर रहे हैं, जो खैर वाफिया दरियाफ़ कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, आप लोग अपने दुआओं का सिलसिला जारी रखिए अपने नमाजों में। ये कौम का एक असासा है अमजदुल्ला खान। आज जिस तरीके से हैदराबाद, बैरून मुल्क, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जो दूसरे ममालिक से जो फ़ोन आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि लोग कितने बेचैन हैं और कितनी दुआएं कर रहे हैं अमजदुल्ला खान के लिए। दूसरी तरफ नवनीत राणा की बात कर लें, इन्होंने फिर से ओवैसी ब्रदर्स को 15 सेकंड की वार्निंग दी है, आप यहां पर देख सकते हैं। हैदराबाद में कहा तुम्हें 15 मिनट लगते होंगे, मैं आज भी कहती हूं छोटे और बड़े हम सनातनियों को, हमारी विचारधारा के लोगों को सिर्फ 15 सेकंड ही काफी है। इस वीडियो को बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब ने नवनीत राणा को रिप्लाई देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं हैदराबाद की अपनी तकरीर पर कायम हूँ, मेरे और मेरे सनातनी भाइयों के लिए 15 सेकंड काफी है। नवनीत राणा अपनी हिंदुत्व के लिए 15 सेकंड काफी है वाली धमकी पर कायम हूँ। और अवेसी साहब ने लिखा, क्या आप नवनीत राणा की गिरफ्तारी की हिमायत करेंगे।